डॉक्टर अश्वा यस सर डेड बॉडी को चेक करना है यस सर अश्वा मजुमदार सर टेक द फिंगरप्रिंट सर लाश को देखकर ऐसा लगता है कि इन्हें मरे हुए ज्यादा वक्त नहीं हुआ है सर यहाँ तो अलग अलग फिंगरप्रिंट्स नजर आ रहे हैं इसका मतलब है कि कई लोग यहाँ पे आए मिस्टर मजुमदार सब फिंगरप्रिंट्स अच्छी तरह ले लो एंड डोंट लीव एनी एविडेंस राइट सर मैडम अगर यस सर लाश के चारों तरफ से फोटोग्राफ्स ले लो और इसका पंचनामा करके लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेजो ओके सर डॉक्टर अश्ला मुझे पोस्टमार्टम की रिपोर्ट जल्द से जल्द चाहिए श्योर सर इंस्पेक्टर कम विद मी एसीपी साहब आप आइए जमला लाल आप मुझे देखकर चौंक क्यों पड़े क्या करे साहब दूध के जले हैं छांस भी फूंक फूंक कर पीते हैं जब से ये 50 लाख के हीरों की डकैती पड़ी है समझिए मैं तो बर्बाद ही हो गया अब तो हर आने वाले को देखकर ये शक होता है कि कहीं वो डकैत ही ना हो वैसे जमला लाल जी ये बात आपके दिल को ठेस तो बहुत पहुंचाएगी लेकिन फिर भी ये डकैती वाला मामला मैं आपकी जुबानी सुनना चाहूंगा क्या बताऊं एसीपी साहब उस हादसे के बारे में उस हादसे का एक एक पल आज भी मेरे दिल को कचौटता है उस दिन भी ऐसा ही वक्त था आज की तरह दुकान में कोई ग्राहक नहीं कोई से सब नीचे बैठो और कोई भी बनाया तो मार दूंगा बैठ ए शान पति ने चाल जल्दी गिर निकाल चाल जल्दी कर जल्दी करो जल्दी 50 लाख जल्दी दे चाल जल्दी निकाल निकाल दो चाल इस काम में उन लोगों को ज्यादा से ज्यादा 2 मिनट लगे होंगे मगर एक बात पक्की है कि उन लोगों को यह जरूर पता था कि हमारी दुकान में कीमती डायमंड्स कहां रखे थे इसका मतलब यह हुआ कि वो आपकी दुकान पर पहले भी आया हां साहब वो जरूर आए होंगे एक बात बताइए जमलालाल जी अगर कोई ग्राहक आपकी दुकान पर बार बार आता है और कुछ नहीं खरीदता आपको उस पर शक तो हुआ कैसे शक होगा साहब वो 3-4 दिन आए हमारी दुकान से 45,000 रुपए का डायमंड नेकलेस भी खरीदा और इसी बहाने उन लोगों ने हमारी पूरी दुकान देख ली जब उन्होंने डाका डाला तब उन्हें जरूर पता था कि हमारी दुकान में कौन सी चीज कहां रखी हुई है और बाद में वो पकड़ा गए उन दोनों की शनाख्त भी हो गई साहब इसका मतलब ये हुआ कि आपने भी उस तीसरे आदमी को नहीं देखा पता नहीं साहब वो तीसरा आदमी कौन था जो गाड़ी में हीरे लेके भाग गया एक आखिरी सवाल जमनालाल जी अभी तक आपके हीरे मार्केट में नहीं आए एक बात बताइए आपकी इस लाइन में ऐसे हीरे बिकवाने वाले या नंबर 2 का काम करने वाले कितने आदमी हैं? एक ऐसा आदमी था जो इस तरह का माल बिकवाया करता था लेकिन वो भी एक हादसे का शिकार हो गया और बाद में उसे लतवा मार गया 2 नंबरी लोग उसे रंगा के नाम से पुकारते हैं जमनालाल जी हालांकि इस हादसे को 5 साल बीत चुके हैं फिर भी मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि आपके हीरे जरूर वापस मिलेंगे
अगर ऐसा हुआ तो मैं तो आपके चरणों को धोकर पीऊंगा। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, आप बेफिक्र रहिए। मीना, लेट्स गो। सर, जमुना लाल ने जिस रंगा का नाम लिया उसके बारे में आपको बता चुकी हूँ कि वही अपाहिज है जिसे रॉबी ने फोन किया था। तो तुम्हारे कहने का ये मतलब है कि प्रभुदयाल रावत और रंगा एक ही आदमी है? यस सर। तो इसका मतलब ये हुआ कि प्रभुदयाल और रंगा इस डाके का तीसरा आदमी नहीं है। यू आर राइट सर। तो इंस्पेक्टर मीना, इसका मतलब ये है कि ये जो तीसरा आदमी है, लगता है उसी ने 50 लाख के हीरों के चक्कर में रॉबिन का खून किया है। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये तीसरा आदमी कौन है? कुछ मिलेगा? बार इज क्लोज्ड, बार बंद हो गया। पर अपन के लिए बार के दरवाजे कभी बंद नहीं होते। तुम? हाँ, बड़ी प्यास लगी है। पर अभी तो तेरे को सिर्फ सॉफ्ट ड्रिंक्स ही मिल सकता है। रॉबिन की तरह? क्यों, तेरे को मालूम नहीं क्या? अरे उसको टपका डाला किसी ने। अरे क्या पंकज मारता है, उसे कौन टपका सकता है? तू भी टपका सकती है उसको। जिस रात रॉबिन का मर्डर हुआ था ना, उस रात तू इधर बैठ के उसके साथ दारू पी रही थी, उसी रात तू मस्ती करते हुए उसके साथ बाहर निकली थी। साला उल्टा चोर कोतवाल को डांट रहा है। अपन सब समझ गया, तूने ही रॉबिन को ठिकाने लगाया है। ये क्या बात कर रही थी तू? जिस रात रॉबिन इधर आया था उसने तेरे साथ हाथ मिलाकर एक पर्ची तेरे को दिया था। अपन ने सब देखा। ए माइकल, दिनो को ले जा, पूछ इसे कौन है ये। मे कम इन सर। यस कम इन सर। यस इंस्पेक्टर साहब। सर, जिन्हें मैंने नाइट क्लब से पकड़कर लॉकअप में डाला है सर, उनमें से दो हैं छोटे मोटे गुंडे जो अक्सर नाइट क्लब में रखे जाते हैं, और सर तीसरा है गोम्स। मुझे लगता है यही है उन हीरों की डकैती का तीसरा आदमी। ये बात तुम इतने यकीन के साथ कैसे कह सकती हो? सर, मुझ पर होने वाला हमला इस बात की गवाही देता है कि गोम्स का हीरो की डकैती और रॉबिन के कत्ल के साथ कोई ना कोई ताल्लुक है। आर यू श्योर इंस्पेक्टर साहब? यस सर, आई एम क्वाइट श्योर। देखिए सर, तीन आदमी मिलकर हीरो की डकैती करते हैं, जिनमें से दो आदमी पुलिस के हाथों पकड़े जाते हैं और तीसरा 50 लाख के हीरे लेकर भाग जाता है। उन दोनों में से एक आदमी जगन्नाथ उर्फ जग्गी पुलिस का सरकारी गवाह बन गया है, और सर तीसरे आदमी को लगा होगा कि रॉबिन के जेल से छूटने पर आधे हीरे उसे रॉबिन को देने होंगे। बस सर, इसी डर से उसने ये सब कुछ किया। वेल डन इंस्पेक्टर साहब, अब मुझे तुम्हारी थ्योरी पर यकीन होने लगा है। थैंक यू सर। इंस्पेक्टर साहब, अभी तक हमें कई पुख्ता सबूतों की जरूरत है। 50 लाख के हीरे, रॉबिन का खून, इस गुत्थी को जल्द से जल्द सुलझाना होगा। सर, मैं चलती हूँ। ठीक है, अपना ख्याल रख। सर। हेलो।
माल पहुंच गया। ठीक है, तुम एक काम करो, अच्छी तरह उसे गिन लो, ओके? और उसके बाद मुझे फोन करो। हाँ हाँ, मैं तुम्हारे फोन का इंतजार करूंगा। पेपर पढ़ा? पेपर? अब डार्लिंग, तुम्हारे इस जॉन को न्यूज़पेपर पढ़ने का टाइम कहाँ मिलता है? क्या कोई खास खबर है क्या इसमें? हाँ जॉन, रॉबिन का मर्डर हो गया है। ही इज डेड। रॉबिन इज डेड। जूलिया, उस रॉबिन को एक ना एक दिन तो मरना ही था। वैसे भी कितने लोगों को टॉर्चर कर रहा था वो, तुम्हें भी तो टॉर्चर कर रहा था ना वो, जरूर तुम्हारी बद्दुआ लगी होगी। सच बोलता है तुम। मार्था? यस जॉन, आइए बैठिए। नहीं जूलिया, अपन इधर बैठने के वास्ते नहीं आया है। अपन यहां पर रॉबिन के किए की माफी मांगने आया है। उसने तुम्हें बहुत टॉर्चर किया, अपन सब जानता है। नाउ इज नो मोर, गॉड से प्लीज फॉरगिव हिम। उसकी आत्मा की शांति के लिए गॉड से प्रे करो। करोगी? थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। उस एनिमल के लिए कौन प्रे करेगा? सगल? सॉरी सर। क्या बात है, किसी गहरी चिंता में हो? चिंता नहीं सर, मैं एक पॉइंट पर गौर कर रही थी। थैंक यू सर। नाउ टेल मी, मुझे लगने लगा है कि हीरे रंगा के पास हैं। इसी आदमी को गोम्स ने फोन किया था। ये आदमी इस केस की बहुत बड़ी कड़ी है। रंगा को गिरफ्तार करने का ख्याल अचानक तुम्हारे दिमाग में कैसे? क्योंकि सर, हीरे बिकवाने के लिए इन लोगों ने रंगा को चुना होगा, जैसे कि उस दिन ज्वेलर जमनालाल ने भी हमें बताया था। You are very right. ये बात मेरे दिमाग में पहले क्यों नहीं? सर, मैंने तो वही बताया जो उस दिन आपने सेठ जमनालाल से पूछा था। Very smart. इंस्पेक्टर सैगल, तुम अपनी ड्यूटी बड़ी होशियारी से कर रही हो। थैंक यू सर। चलो इंस्पेक्टर साहब, अभी चलकर रंगा को गिरफ्तार करते हैं। कम विद मी सर। आइए सर, आइए। देखिए, हम थोड़ी देर के लिए बाहर गया था तो साहब आके देखा तो साहब इधर मरा पड़ा है, सामान भी सब बिखरा पड़ा है, मालूम नहीं क्या हो गया। इंस्पेक्टर मीना। यस सर। फोरेंसिक डिपार्टमेंट वालों को फॉर्म बोला। जी। हेलो डॉक्टर अचरा, प्लीज कम टू फोर बंगलोज। यस, सारंगा टावर्स, फ्लैट नंबर 14। यप। Stop.
प्लीज डॉक्टर। श्योर सर। सर इनको मरे ज्यादा वक्त नहीं हुआ है, यही कोई 2-2.5 घंटे हो चुके हैं। अब इनका बदन ठंडा पड़ना शुरू हो गया सर। सर एक और इम्पोर्टेंट बात, इसका कत्ल भी उसी तरह के चाकू से हुआ है जिस तरह के चाकू से रॉबिन का कत्ल। डॉक्टर, मरने वाला लकवे का मरीज था इसलिए ये अपना बचाव नहीं कर पाया। इंस्पेक्टर वर्गर। यस सर। लाश का पंचनामा करके इसे पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दो। ओके सर। डॉक्टर, जितनी जल्दी हो सके मुझे पोस्टमार्टम की रिपोर्ट चाहिए, क्योंकि उसी रिपोर्ट में डेथ का टाइम होगा। श्योर सर। मीना, कम विद मी। अरे एसीपी साहब, ये हीरा तो उन्हीं हीरों में से एक है जो इस दुकान से लूटे गए थे। इसका मतलब ये हुआ कि ये हीरे प्रभु दयाल रावत ने अपने घर में रखे हुए थे। नहीं नहीं जमनालाल, ये हीरे तो उसने मंगवाए होंगे जब उसे रॉबिन का मैसेज मिला। तो साहब, प्रभु दयाल रावत के साथ साथ जरूर कोई और भी उसका राजदार था। एसीपी साहब, एक बार फिर आपने उन 50 लाख के हीरो के मिलने की उम्मीद को जिंदा कर दिया। आप बेफिक्र रहिए जमनालाल, मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि आपके हीरे जरूर मिल जाएंगे। मैं चलता हूं। जी धन्यवाद। यस इंस्पेक्टर बगर। सर आपने मिस मार्था, जूलिया और जॉन का बयान लेने के लिए कहा था। यस। सर अपने बयान में जॉन ने झूठ बोला है। उसने कहा कि जिस रात रॉबिन का कत्ल हुआ वो फ्लाइट से दिल्ली गया था, पर सर हमने दिल्ली जाने वाली उस रात सारी फ्लाइटों की पैसेंजर लिस्ट चेक करी, उसमें जॉन का नाम कहीं नहीं था सर। क्या? यस। एसीपी साहब, हेलो सर। हेलो। कैसे आना हुआ? जॉन कल रात एक कत्ल हुआ है और उस कत्ल का वास्ता रॉबिन के कत्ल से। क्योंकि कत्ल एक है इसलिए हमें उसकी तलाश है। मैं आपको सिर्फ इतना पूछने आया हूं कि जिस रात रॉबिन का कत्ल हुआ आप कहां थे? मैं तो सर ये बिजनेस के सिलसिले दिल्ली गए हुए थे। हाँ सर, मैं दिल्ली में था। मिस्टर जॉन, झूठ बोल रहे हैं आप। हमने दिल्ली जाने वाली हर फ्लाइट की पैसेंजर लिस्ट चेक की है, आपका नाम तो कहीं भी नहीं है। हाँ सर, आप ठीक कह रहे हैं, मैं झूठ बोल रहा हूं। मैं उस रात दिल्ली में नहीं था, बल्कि मैं उस रात रॉबिन के घर गया था ताकि मैं उससे हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर सकूं। उसने मेरी वाइफ जूलिया का जीना मुश्किल कर दिया था सर, इसकी रातों की नींद उड़ा दी थी सर। लेकिन जब मैं रॉबिन के घर पहुंचा तो मुझे यह देखकर बहुत खुशी हुई कि रॉबिन का पहले से ही किसी ने खात्मा कर दिया था।
मुझे पहुंचने में देर हो चुकी थी। हां सर, मैंने उस रात रॉबिन के घर के सामने से मार्था को रिक्शा पकड़ते हुए देखा था। मार्था, रॉबिन के कत्ल से मार्था और उससे ज्यादा आपको खुशी हुई हो? देखिए मिस्टर जॉन, आप हमारे शक के दायरे में हैं। अगले 48 घंटे आप अपने घर और ऑफिस के सिवा कहीं नहीं जाएंगे, समझे? चलता हूं। ओके सर। पुलिस, एसीपी विजय। एसीपी साहब, आप आइए। सॉरी, अपन को डोर खोलने में थोड़ा देरी हो गया। वो क्या है कि अपन आपका आवाज सुन नहीं पाया। नहीं, कोई बात नहीं, इट्स ओके। बैठिए। नहीं नहीं, इट्स ओके। एक बात बताइए मिस मार्था, जिस रात रॉबिन का कत्ल हुआ आप कहां थी? इधर इधर ही था। नहीं मिस मार्था, तुम झूठ बोल रही हो। हमारे पास इस बात का पुख्ता सबूत है कि तुम उस रात रॉबिन से मिलने गई। कौन बोला आपको ऐसा? हाँ मिस मार्था, ये कत्ल का केस है। जुर्म साबित हो जाने पर तुम्हें फांसी की सजा या उम्र कैद भी हो सकती है, इसलिए सच से बता दो। आप सही कहता है एसीपी साहब, अपन उस रात रॉबिन के घर गया था, लेकिन जब अपन वहां पहुंचे तो वहां गई क्यों थी? अपन थोड़ा रुपया साथ लेके गया था कि शायद रॉबिन मान जाए, लेकिन अपन के साथ अपन एक गन भी लेके गया था कि अगर वो नहीं मानेगा तो अपन उसको खलास कर देगा। अपन सच कहता जिसका इसका कसम, लेकिन जब उधर पहुंचा तो अपन उसके घर के बाहर दो आदमियों को देखा और उसमें से एक मेरजी भाई था। हाँ, मेरजी भाई। अपन दूसरे का चेहरा सही से देख नहीं पाया, लेकिन वो धोती कुर्ता पहना हुआ था। ठीक है मिस मार्था, जब तक ये केस सॉल्व नहीं हो जाता आप ये शहर छोड़कर नहीं जाएंगे। और हाँ, वो आदमी वेलजी भाई कहां रहता है जो ये दुकान खरीदना चाहता है? मडारिन में। मेरी बात याद रखना।
हो तुम? नीलू, नीलू नाम है मेरा। बाबा मारे से क्या चाहती हो? देखो अपन रॉबिन का फ्रेंड है, वो मरने से पहले बहुत सारा डायमंड अपन को देकर गया था, जो जमनालाल की दुकान से लूटा था। अभी अपन को पता चला है कि 50 लाख का डायमंड किसी और को भी रखने को दिया था। अपन यही सोचकर इधर आया कि असली डायमंड तो अपन के पास है, तो फिर तेरे को कौन सा डायमंड रखने को दिया, असली या नकली? अरे बाबा रॉबिन ने मारे को कुछ रखने को नहीं दिया, अगर किसी को रखने को दिया होगा ना तो वो रंगा। रंगा? कुछ नहीं, कुछ नहीं। ए सारा झूठ बोलेगा या कुछ छुपाएगा तो सारा अंदर कर दूंगी। अरे बाबा इतने हटा, इतने हटा, मैं थारे से कुछ नहीं छुपाएगा, हटा। तो बोल अपन के पास जो माल है उसका सौदा करवाएगा? पहले माल दिखा, असली है कि नकली? अभी दिखाता है। तो पूरा खरा। एक काम करो अपना पता ठिकाना बता दो। नीलू बापू की चाल, गोली नंबर 22, गोलीवाड़ा, याद रहेगा? हाँ। अपन चलता है। ठीक है ठीक है। मैं बोल रहा हूं माल में कुछ गड़बड़ है। जूलिया, जूलिया, जॉन कहां जा रहे हो तुम? वो मैं ऑफिस जा रहा हूँ, इम्पोर्टेंट मीटिंग है, आने में देर हो जाएगी। तुम खाना खा लेना। ओके। गुड नाइट। गुड नाइट। से तो मारे बंगलों में उजालो हो गए हो। बैठिए। धंधे पानी के पहले कुछ पीनो पिलानो हो जावे? नहीं, इसकी जरूरत नहीं। जरूरत क्यों नहीं? अरे आपके लिए खास शरबत मंगाया मैंने। खास शरबत? हाँ बिल्कुल खासम खास। बिल जी भाई। बिल खासम खास है। बिल जी भाई तो है बड़ा रंगीला। वो तो हुई, तभी तो व्यापार और धंधा यहाँ करता हूँ और फैमिली को लगता हूँ जामनगर में। अच्छा बिल जी भाई एक बात तो बता, इतनी जल्दी तुझे पार्टी कैसे मिल गई? बिल जी भाई का दिमाग और हाथ पैर साथ चलते है। पर वो पार्टी 50 लाख का बंदोबस्त करेगी कैसे? नीलू जी आप बेल जी भाई से बात कर रहे हैं? अरे बेल जी भाई चाहे तो 10-5 करोड़ जमा कर ले। अरे पार्टी को आने दीजिए, मजा तो तभी आवे। लो गेम शुरू हो गए। वो आ रहे हो? We'll be right back.
चारो काम तो कर दियो, अब मारो माल दिखाओ असली है कि नकली। वेल जी भाई, बहुत छोटा है इसलिए तेजाब में डाल के रखता हूं, एक ही बार काफी है। तुमने अपने शतरंज के मोरे इस हिसाब से बिछाए थे कि तुम्हारी हार हो ही नहीं सकती, लेकिन तुम्हारे एक झूठ ने सारी बाजी पलट दी। तुमने झूठ कहा था कि तुम हीरों की डकैती में तीसरे आदमी को नहीं जानते और तीसरा आदमी गोम्स है। तो देखो, हेलो जग्गी, कैसी रही गेम? हाँ, मैंने रॉबिन को मारा था, मैंने मारा था रॉबिन को, क्योंकि मैं उसके डर के साये में जीना नहीं चाहता था। रॉबिन यार, तू मुझे माफ कर दे यार, तू सही था, मैं गलत था, मुझसे गलती हो गई यार। रॉबिन, मैं तुझे तेरा हिस्सा वापस लौटा दूंगा, मुझे माफ कर दे। क्या नाटक कर रहा तू है चक्की? ये इमोशनल बात अपन को पसंद नहीं, और ये इमोशनल बात अपन के भेजे में घुसता भी नहीं है, समझा ना? अगर तू मेरे को हिसाब वापस नहीं किया ना, अपन तेरे को यही पे काट डालेगा। क्या बोला अपन? रॉबिन, शांति रख, मैं तुझे तेरा हिस्सा वापस लौटा दूंगा, तू मुझे सिर्फ थोड़ा वक्त दे, प्लीज प्लीज। तेरे को 24 घंटे का वक्त देता है, अगर तूने 24 घंटे के अंदर मेरा हिस्सा वापस नहीं किया तो जग्गी तेरे को अपुन से ऊपर वाला भी नहीं बचा सकता। रॉबिन, इसका मतलब तूने मुझे माफ कर दिया? यार आई एम सॉरी यार रॉबिन, तू मुझे माफ कर दिया ना? तूने रॉबिन, तूने मुझे माफ कर दिया ना? ठीक है यार, बोल ना यार, तू माफ कर दिया तूने? ठीक है यार। रॉबिन, इसी बहाने हम अपना काम गलत करते हैं। ये देखना यार, ये एक दोस्ती की नई शुरुआत करते हैं। चल जगी, जगी, तू तो जानता है ये रॉबिन एक शराफत की जिंदगी गुजारना चाहता है, जगी मैं अपना घर बसाना चाहता है यार, घर बसाना चाहता है बस। रॉबिन, छोड़ यार ये सब बातें, चल लेट्स एंजॉय। कम ये लो रॉबिन, चीयर्स। नींद आ रही है चक्की? रॉबिन, आज तुझे ऐसी नींद सुलाऊंगा कि जिंदगी भर नहीं उठूंगा। रॉबिन, चक्की, रॉबिन, तू अकेले के साथ धोखा किया? तू रॉबिन, बहुत डर
डर के शायद जियो में देखे। जग्गी आप आ रहे हैं, बहुत डर के शायद में जियो रॉबिन। नहीं जग्गी, नहीं जग्गी, और नहीं, अब और नहीं, नहीं जग्गी, जग्गी। रॉबिन का कत्ल तुमने बड़ा सोच समझकर किया था, ये जानते हुए कि कोई तुम पर शक नहीं करेगा, और हुआ भी ऐसे ही। तुमने यह सोचा था कि सारा शक जॉन, जूलिया और मार्था पर जाएगा। इसके बाद तुमने रंगा के कत्ल का प्लान बनाया और उसमें कामयाब भी रहे, लेकिन तुम्हारी एक छोटी सी गलती, तुमने हीरे उठाते वक्त एक हीरा वहां गिरा दिया, और उसी डायमंड के सहारे पर नीलो और इंस्पेक्टर नीना सैगल ने तुम्हें ट्रैक कर लिया। बेलजी भाई और तुम पुराने दोस्त थे, बेलजी भाई के बुलाने पर तुम यहां आ गए और हमारे ट्रैप में फंस गए। हम तुम्हारे खिलाफ सारे सबूत तो इकट्ठे कर चुके थे, हम तुम्हें रॉबिन और रंगा के कत्ल के जुर्म में गिरफ्तार करते हैं। इंस्पेक्टर भगत। यस सर। एम एम